बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन ने शिक्षा विभाग से जुड़े तेज तर्रार और कड़क अफसर के पाठक के अचानक छुट्टी लेने के बाद कुछ आईएएस अफसरों की नई जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 14 जनवरी तक स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी मांगी थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग की कमान बैद्यनाथ यादव आईएएस को सौंपी गई। सरकार ने खेल विभाग के प्रधान सचिव वी राजेंद्र को जिम्मेदारी दी है। कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक आईएएस महेंद्र कुमार को खेल विभाग का निदेशक बनाया गया है। के पाठक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक के बाद एक नए नए आदेश जारी कर रहे थे, जिसका जमकर विरोध भी हो रहा था। कई विधान पार्षदों ने भी तो राज्यपाल से मिलकर उनकी शिकायत करते हुए उन्हें हटाने की मांग भी की थी। इसी बीच के पाठक अचानक छुट्टी पर चले गए। दरअसल नौकरशाही और सरकार के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश बीपीएससी से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस कड़ी में पूरे बिहार में 13 जनवरी को बीपीएससी से अनुशंसित 1,10,000 शिक्षकों को एक दिन में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना में गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र देंगे। पाठक अब इस आयोजन से भी दूर रहेंगे। पाठक फ्रेम इंडिया मैगजीन में 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में शामिल हो चुके हैं। पाठक IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार से विवाद को लेकर भी सुर्खियों में थे। हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार ने के पाठक के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पाठक ने अपने मोबाइल से फोन कर उनके साथ अभद्र भाषा और में बुरा बर्ताव किया। केशव कुमार पाठक बेहद कड़क यानी सख्त मिजाज आईएएस ऑफिसर हैं। यूपी में जन्मे पाठक की पहली पोस्टिंग बिहार के कटिहार जिले में हुई। तब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। उन्होंने 1996 में पहली बार जिला अधिकारी के रूप में गिरिडीह में कमान संभाली थी। वो कई जिलों में SDO भी रह चुके हैं। रावड़ी देवी के राज पाठक को लालू यादव के होम टाउन गोपालगंज की जिम्मेदारी मिली। वो पहली बार तब सुर्खियों में आए जब एक अस्पताल का उद्घाटन उन्होंने सफाई कर्मचारी से करवाया था। इसे लेकर सूबे में सियासी बवाल मचा था। इसके बाद उन्हें सचिवालय से अटैच किया गया। आगे समय का चक्र घूमा तो नीतीश कुमार की सरकार में के पाठक को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपको बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट यानी बिहार में शराबबंदी कानून लागू कराने तक में पाठक की अहम भूमिका रही है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।